शादियों का मौसम 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। इस बीच कोविड मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। ऐसे में प्रशासन ने शादियों को लेकर तमाम तरह की पाबंदी फिर से लगा दी है। इसका सीधा असर एक बार फिर से बाजार पर पड़ता दिखाई दे रहा है। जानकारों का कहना है कि फरवरी तक यही स्थिति रही तो लखनऊ और आसपास के इलाकों में करीब 50,000 शादियां प्रभावित होंगी। इससे करीब 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार भी प्रभावित होगा। अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लगा है। लोग अभी से शादियां कैंसिल कराने लगे हैं। होटल मालिकों का कहना है कि उनके यहां करीब 25% तक ऑर्डर कैंसिल होने लगे हैं या फिर उसको आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। लखनऊ व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्रा बताते हैं कि सहालक का बाजार धनतेरस और बाकी बाजारों से भी बड़ा होता है। कपड़ा कारोबारी बताते हैं कि शादी के एक साथ 50 से ज्यादा सेक्टर पर असर पड़ता है। इसमें कपड़ा, फर्नीचर, सराफा, होटल, खाना, बेड, बाजा, लाइट एंड साउंड, इलेक्ट्रॉनिक, शादी कार्ड, टूर एंड ट्रैवल, पर्यावरण जैसे प्रमुख सेक्टर शामिल हैं। ठंड वाले सहालक में थोड़ा कारोबार बेहतर हुआ था, लेकिन फिर से स्थिति खराब हो गई है। 50 या 100 लोगों की शादियों में लोग कार्ड नहीं देते हैं। कारोबारियों ने बताया कि हर सीजन में करीब 50,000 शादियों के हिसाब से बाजार में कार्ड आता है, लेकिन अब लगता है कि 15,000 शादियों के कार्ड भी कोई नहीं छपा पाएंगे।